बेटा लेक्चर नंबर 5 बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। अच्छा पहला एमसीक्यू है, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स की पावर एन इज। बेटा ये जनरल टर्म का फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, इसके ज़रिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लास में सॉल्व किए थे। ये फॉर्मूला पढ़ा जाता है एन कॉम्बिनेशन आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। अगर सेकेंड टर्म एक्स है तो, अगर सेकेंड टर्म एक्स के बजाय बी लिखा होता तो फॉर्मूला बन जाता बी की पावर आर। क्लियर हो गई बात। बेटा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए प्लस बी की पावर 2n। तो बस ये बात याद रखिएगा बेटा कि किसी भी बायनोमियल पर जितनी पावर होती है ना हमेशा उससे एक ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म। यानी अगर पावर 6 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगी, अगर पावर 7 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगी। इसी तरह अगर पावर उसकी 2n होगी तो नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होगी, यानी 2n प्लस 1। सही है। अगला एमसीक्यू है इन द एक्सपेंशन ए प्लस एक्स टू द पावर एन द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। बेटा याद रखना ये जो सेकंड टर्म होती है ना जिसे हम एक्स बोल रहे हैं या बी बोल रहे हैं, इसकी जो पावर होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है फ्रॉम जीरो से लेके एन तक। यानी सेकंड टर्म चाहे एक्स के नाम से हो, चाहे बी के नाम से हो, चाहे वाई के नाम से हो, उसकी जो एक्सपोनेंट होती है मतलब उसकी जो पावर होती है वो हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। कहाँ? जीरो से लेके एन की जाने। अगला एमसीक्यू है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस टू एक्स टू दी पावर टू एन। बेटा आपको ये पता है कि मैंने सवाल भी क्लास में सॉल्व करवाए थे कि जब पावर 2n दी जाती है ना तो 2n का मतलब होता है इवन पावर, और जब किसी बायनोमियल पर इवन पावर होती है तो उसमें एक मिडिल टर्म होती है, अगर ऑड पावर होती है तो उसमें दो मिडिल टर्म होती हैं, और अगर एक मिडिल टर्म होगी तो उसको तक पहुँचने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। और अगर पावर बेटा इसकी ऑड होती तो दो मिडिल टर्म यूज होती, और दो मिडिल टर्म तक पहुंचने का पहला फॉर्मूला होता एन प्लस वन अपॉन टू और दूसरा था एन प्लस थ्री अपॉन टू। ठीक है, अगर कब, अगर मिड पावर इसकी ऑड है, और अगर इवन पावर है जैसे 2n इवन पावर होती है हमेशा तो उसकी मिडिल टर्म निकलेगी एक, और कैसे निकलेगी, एन प्लस टू अपॉन टू से। अब जहां पे n आया उसकी जगह 2n आ गया। बेटा ये वाला 2 और ये वाला 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 से कट होगा तो सिर्फ आपके पास आंसर बच जाएगा एन प्लस वन टर्म, तो उसकी जो मिडिल टर्म की पोजीशन है वो एन प्लस वन टर्म होगी। द टर्म इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बेटा ये अगर इसकी पहली टर्म ए दी जा रही है, दूसरी टर्म टू एक्स दी जा रही है, तो जब मैं इस पर बायनोमियल थ्योरम खोलता तो बायनोमियल थ्योरम ए की पावर एन से स्टार्ट होता है। अब आप मुझे बताइए अगर बायनोमियल थ्योरम ए की पावर एन से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ये पहली टर्म ही तो होगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, मतलब इसमें एक्स मौजूद नहीं होगा क्योंकि पहली टर्म पे हमेशा सिर्फ पहली वैल्यू ही मौजूद होती है, एक्स तो सेकंड टर्म में। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में द टर्म इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी वो टर्म बताओ जिसमें एक्स मौजूद नहीं होगा, तो वो पहली टर्म होगी जिसमें एक्स मौजूद नहीं होगा, यानी ए की पावर एन। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर ए प्लस वन अपॉन टू की पावर, अगर बेटा ए प्लस वन अपॉन टू कोई भी बायनोमियल अगर उसकी पावर 7 जैसे ऑड है तो उसमें कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, उसमें दो मिडिल टर्म्स होंगी, ये आपको याद रखना। उसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि सम ऑफ ऑड बोले या सम ऑफ इवन बोले, बायनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स टू दी पावर एन, ये फॉर्मूला याद रख लो बेटा। जब भी आपको बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो तो वो सम कैसे निकलता है, 2 की पावर एन माइनस 1 से। एक सीरीज बता रहा हूँ, सीरीज ज़रा देखिएगा, सीरीज है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कॉम्बिनेशन 0, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन 1, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन 2, एन प्लस वन कॉम्बिनेशन एन प्लस 1। इस पूरी सीरीज का बेटा जो सम निकलता है ना वो 2 की पावर एन प्लस 1 से निकलता है। तो अगर इस सीरीज का आपको सम निकालना है तो उस सीरीज का सम कैसे निकलेगा, 2 की पावर एन प्लस 1 से। सीरीज को याद रखिएगा। अच्छा फिर अगला एमसीक्यू है द नंबर ऑफ टर्म्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 3 और नेगेटिव। तो बेटा अगर किसी भी बायनोमियल पर जिसकी पहली टर्म 1 है और अगली टर्म एक्स है, अगर इसकी पावर अपॉन में हो, यानी 1 अपॉन 3 हो या 1 अपॉन 4 या 1 अपॉन 5 व्हाटएवर, और या नेगेटिव हो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड नहीं होती बल्कि इनफाइनाइट होती हैं। यानी ये बायनोमियल खुलता रहेगा और नंबर ऑफ टर्म्स हमें कहाँ तक की मिलेंगी, इनफाइनाइट तक की मिलेंगी। ये मैंने एमसीक्यू क्लास में भी सॉल्व करवा दिया था, दोबारा देख लीजिएगा। एक सीरीज आपको दी हुई है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। बेटा ऐसी जितनी भी सीरीज होती है ना उन सारी सीरीज को बंद करने का आसान तरीका ये होता है कि पहला नंबर 1 लिख दिया करो, अगली टर्म एक्स लिख दिया करो और पावर में माइनस लिख दिया करो। अब इस सेकेंड टर्म को देख लो कि सेकेंड टर्म में क्या लिखा हुआ है। सेकेंड टर्म में साइन माइनस है तो आप यहाँ अंदर साइन लगा देंगे प्लस, और अगर एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है
अगर x के साथ 1 लिखा हुआ है तो आप पावर में लिख देंगे 1, सही है। यानी मैं एग्जांपल देके आपको समझा दूं, आप इस तरह समझ लें, अगर कोई सीरीज़ लिखी हुई है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से लेके इन्फानाइट, तो आप इसका 1 कैसे करेंगे फॉर्मूले में, पहले 1 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर माइनस लगा देंगे। अब इस x की साथ यानी सेकेंड टर्म के साथ साइन देख लें कौन सी है, अगर प्लस है तो माइनस लगा देंगे, अगर माइनस होता तो प्लस लगा देते, और फिर x के साथ देख लो क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 लिख दिया। यानी अगर कोई सीरीज़ आपको ऐसे लिख के दी जाती कि 1 प्लस 2x होता प्लस डॉट 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 इन्फानाइट तक होता, तो इसका फॉर्मूला बंद कैसे होता, बाइनोमियल में 1 लिखते, x लिखते और माइनस लगा देते। अब यहाँ साइन देखते क्या, अगर प्लस है तो माइनस लगा दें, और x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो उसको पावर में पहुँचा दें। क्लियर हो गई बात? तो ये बायनोमियल थ्योरम के कुछ MCQs हैं बेटा, इनको जहन में रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।